बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं AQ TV और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी, तालिबे इल्म हूं इल्मुल हर्फ व अदद का और इल्मे जफर का। नाज़रीन इकराम, इल्मे जफर में जो 18 का अदद है बहुत ज़्यादा फजीलत व बरकत का और कामिल अकमल अदद है। ये अदद ईद गदीर पर सामने आया जब अमीर अल-मोमिनीन ने की वलायत का पैगंबर आज़म ने इलान पाक किया कि जिस जिस का मैं मौला उस उसका अली मौला। तो ये 18 का अदद था, 18 ज़िलहज। नाज़रीन इकराम, कुरान में एक सूरा है सूरह हुजरात। ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनकी ससुराल में इज्जत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चाहत करती हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं, अपने बड़ों का एहतराम करती हैं, सास ससुर का, और अपने छोटे देवर नंद का वो भी अदब और उनसे प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, रिश्तेदारों का भी वो मोहब्बत करती हैं, उनकी खिदमत करती हैं, लेकिन रायगां और बेकार हो जाता है। उन अपनी बहनों बेटियों के लिए अमल लेके हाजिर खिदमत हूँ। बेटा, एक तो आप नमाज की पाबंदी करें और बावजू रहा करें, और कुरान में सूरह नूर और सूरह हुजरात ये दोनों सूरतों को मिला के पढ़ा करें। एक एक दफ़ा पढ़े, ठहर ठहर के पढ़े, एक दफ़ा अरबी के साथ पढ़ें, एक दफ़ा इसे तर्जमे के साथ पढ़ें, सूरह नूर को और सूरह हुजरात को किसी भी टाइम पढ़ लें, कोई एक नमाज के बाद। बेहतरीन टाइम इसका नमाज फजर के बाद है या नमाज ज़ुहरैन के बाद कर लें आप, नियत के साथ, खलूस के साथ करें, ठहर ठहर के पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपकी इतनी इज्जत होगी पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली में तमाम अफराद आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका एहतराम करेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए राज, असरार और अमल के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।